बीजेपी सरकार का एक कायराना रवैया, कई दिन से संघर्ष कर रहे कंप्यूटर टीचर और लैब अटेंडेंट पर भारी लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग, क्या यही बीजेपी सरकार का नारा था जिसने इन पढ़े लिखे को सड़कों पर उतार दिया? और ये देखिए, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार ने बेटियों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, बीजेपी सरकार अपने बातों से मुकर रही है। शर्म आनी चाहिए इस बीजेपी सरकार और सत्ता सरकार को, जिन्होंने इन कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों से एक झूठा वादा कर कर इन्हें सड़कों पर उतार दिया। क्या ये कंप्यूटर टीचर और लैब सहायक पाकिस्तान से आए हैं खट्टर साहब, जिनसे रोज आप झूठे वादे करते हैं? आप अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए रोज एक नया बिल पास करते हैं और उन्हें दे इन्हें कंप्यूटर टीचर और लैब अटेंडेंट को देने के लिए आपके पास एक मात्र 11,000 और 21,000 रुपये नहीं है। वाह, बीजेपी सरकार झूठे वादों की सरकार साबित हो रही है। बीजेपी सरकार को, खट्टर सरकार को और मनोहर लाल जी खट्टर और रामलीला शर्मा जी को शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने इनके धरना स्थल पर जाकर इनसे वादे किए थे कि बीजेपी सरकार आएगी, हम आपको करेंगे। इनके सारे वादे झूठे निकले। वाह खट्टर सरकार, आज आप अपने हरियाणा राज्य की एक तस्वीर देखिए, आपको देखकर शर्म आनी चाहिए। एक पढ़े लिखे लोगों को आपने बेरोजगार बना दिया है और एक अपनी ही बहन बेटियों को आपने सड़कों पर लाकर वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है और लाठीचार्ज किया जा रहा है। देखिए खट्टर सरकार, एक बहुत निंदनीय काम किया जा रहा है खट्टर सरकार द्वारा। ये कंप्यूटर टीचर और लैब सहायक पिछले लगभग 7 से 5 सालों से लड़ रहे हैं और इनकी मांगे नहीं पूरी की जा रही। इस कायराना हरकत के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। आज इनमें से अगर कोई भी कंप्यूटर शिक्षक या लैब अटेंडेंट को कोई भी चोट आती है तो उसके लिए ये बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार, झूठी सरकार ये होगी इनके लिए। ये जिम्मेदार होंगे बीजेपी सरकार के लोग। देखिए कितना कायराना इनका है, वादे कर जाते हैं मगर पूरे नहीं करने आते इस खट्टर सरकार को। देखिए कितना कायराना हरकत है इन लोगों की। वाह बीजेपी सरकार, वोट लेते समय तो आप लोग बहुत वादे करते हैं मगर आप लोग एक भी वादा अपना पूरा नहीं कर पाते। शर्म आनी चाहिए मनोहर लाल खट्टर जी, बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए आपने इन कंप्यूटर टीचर और लैब अटेंडेंट के साथ। जब इन्होंने अपना हक मांगना चाहा तो इन पर रोज लाठीचार्ज, रोज वाटर कैनन का प्रयोग। और जब आप अपने मंत्रियों के भत्ते और अगर पेंशन और उनकी तनख्वाह बढ़ानी होती है तो एक दिन में आप उनके लाखों रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, और जब इन कंप्यूटर टीचर और लैब अटेंडेंट की बात आती है तो इन्हें मात्र 11,000 रुपये और 21,000 रुपये देने पर भी खट्टर सरकार की एक बहुत बड़ी निराशा हाथ में। वाह खट्टर सरकार वाह, आ गए अच्छे दिन। इन्हीं अच्छे दिनों की बात की थी क्या खट्टर सरकार ने?